नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में पिछला वीडियो हमने कवर किया था फाइव ईयर प्लान के ऊपर एम सी क्यू क्वेश्चन के ऊपर जो टॉप एम सी क्यू क्वेश्चन थे हालांकि उसका एक ही पार्ट हुआ है लेकिन अभी जो वीडियो कवर करेंगे वो डिटेल में कवर करेंगे सभी पंचवार्षिक योजनाएँ के ऊपर और पंचवार्षिक योजना का इतिहास भी इसमें कवर करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं तो पंचवर्ष योजना का जो इतिहास है पंचवर्षीय योजना शुरू करने का क्या कारण था पंचवर्षीय योजना की क्या आवश्यकता थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो पंचवर्ष योजना का इतिहास सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर वन है अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन जन समर्थन मिला था पॉइंट नंबर दो है वर्ष है उन्नीस में उद्योगपति का एक समूह एकजुट हुआ जिसमें भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है तो बॉम्बे प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं तो उन्नीस में जो उद्योगपति लोग थे इंडस्ट्रियल लोग थे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा और पॉइंट नंबर जो फोर है जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में वो पंचवार्षिक योजना को लागू किया ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया नहीं है लेकिन इस एग्जाम में पूछने की संभावना है कि पहला जो पंचवार्षिक योजना का प्लान था वो कौन से व्यक्ति ने कहाँ पर लागू किया तो जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष उन्नीस में पंचवार्षिक योजना को लागू किया ठीक है इसके बाद पॉइंट नंबर फाइव है भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवार्षिक योजनाएँ फाइव ईयर प्लांस की श्रृंखला तैयार की और वो शुरू की ठीक है इसके बाद पंचवार्षिक योजना की अवधारणा पंचवार्षिक योजना की अवधारणा पॉइंट नंबर वन है पंचवार्षिक योजना का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले पाँच वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्चे की योजना होती है तो पंचवार्षिक योजना का जो सामान्य विचार होता है तो भारत सरकार अपने पाँच साल का जो आमदनी और खर्चा है उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करते है उसे अपन पंचवार्षिक योजना बोल सकते हैं। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर टू है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो भागों में बांटा गया है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें जो तो होती है उनके बजट को दो भागों में बांटा जाता है उसमें जो पहला बजट होता है पहला भाग जो होता है वो गैर योजना बजट का होता है और दूसरा जो भाग होता है वो योजना बजट का होता है ठीक है पहला गैर योजना बजट और दूसरा योजना बजट कितने कितने भागों में बांटा जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है इसके बाद गैर योजना बजट सालाना दैनदिन मदों पर खर्च किया जाता है और योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पंच पंचवार्षिक आधार पर ही खर्च किया जाता है पॉइंट नंबर फोर है वर्ष उन्नीस सौ इक्यावन से दो हज़ार सत्रह तक भारतीय व्यवस्था का मॉडल पंचवार्षिक योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर निर्धारित था पॉइंट नंबर फाइव है पंचवार्षिक योजनाओं को तैयार करने कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया तो पंचवार्षिक योजना को तैयार करने का जो कार्य था एक संस्था को दिया गया उसका नाम था योजना आयोग और ये योजना आयोग का जो गठन हुआ था उसकी जो स्थापना हुई थी हो हुई थी पंद्रह मार्च को तो पंद्रह मार्च को पंद्रह मार्च दो 1950 को ठीक है पंद्रह मार्च 1950 को जो थी योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग की स्थापना पंद्रह मार्च 1950 को करने के बाद इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इनके अध्यक्ष थे और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन उपाध्यक्ष के ऊपर भी बना था तो योजना आयोग के जो पहले योजना थे उसके उपाध्यक्ष कौन थे उस तत्कालीन तो पहले योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुरुदारी लाल नंदा जी थे ठीक है इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स वर्ष 2015 में योजना आयोग की नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया फिर वर्ष दो में जो है वर्ष दो में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पे एक नया आयोग आया उसे नीति आयोग का नाम दिया गया तो एक जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत आयोजन योजना आयोग को जो है ख़त्म कर दिया गया था और उसके जगह नीति आयोग लाया गया था एक जनवरी 2015 2015 आपको दिया है अगर आपको ताकि तारीख पूछी जाती है तो एक जनवरी है ठीक है इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेवन है नीति आयोग ने तीन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो वो तीन दस्तावेज है वार्षिक वर्षीय एक्शन एजेंडा तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा और दूसरा जो दस्तावेज है जो सा, सात सात वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और तीसरा जो दस्तावेज है वो होता है पंद्रह वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तो नीति आयोग नीति आयोग आने के बाद नीति आयोग ने तीन दस्तावेज प्रस्तुत किए पहला जो दस्तावेज है इसका तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा दूसरा जो दस्तावेज है सात वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और तीसरा जो दस्तावेज है वो है पंद्रह वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स तो ये नीति आयोग ने तीन दस्तावेज किए थे प्रस्तुत वो तीन दस्तावेज यहाँ पे दिए गए हैं ठीक है इसके बाद पंचवार्षिक योजनाएं तो पंचवार्षिक योजनाएं देखने से पहले एक बार योजना के ऊपर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो योजना आयोग योजना का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च उन्नीस सौ पचास सन में हुआ था ठीक है तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था लेकिन उसकी एग्जैक्ट तारीख अगर आपको पूछी जाती है तो 15 मार्च 1950 में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष जो थे वो गुरजालीराम उपाध्यक्ष जो थे गुरजाली राम नंदाजी थे ठीक है पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुरजालीराल नंदा नंदाजी फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई तो योजना एक जो योजना बनाएंगी या जो योजना योजना एक तैयार करेंगी वो योजना तैयार होने के बाद उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए योजना पूरी तरह से चल रही कि नहीं अच्छे तरह से उसका पालन हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए एक बॉडी तैयार की गई तो उस बॉडी का जो नाम दिया गया वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम दिया गया और इसका गठन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका गठन जो हुआ था सिक्स अगस्त उन्नीस को किया गया था और गया था इसका उद्देश्य जो था योजना के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना इसका उद्देश्य था ठीक है योजनाएं जो भी योजना बनेगी उसको ठीक तरह से संचालित करने का जो काम दिया गया था वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नामक संस्था को दिया गया था इसका राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो सौ अगस्त उन्नीस को हुई थी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद इसके बाद जो देखते हैं पंचवार्षिक योजनाएं और इसकी विशेषताएँ तो प्रथम पंचवार्षिक योजना प्रथम पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल था वो था उन्नीस से उन्नीस तक और प्रथम पंचवार्षिक योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया इसमें जो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था इसमें जो पॉइंट आपको याद रखनी है प्रथम पंचवार्षिक योजना में उन्नीस में उन्नीस से उन्नीस की जो योजना थी पहली पंचवार्षिक योजना उसमें जो प्रथम पंचवार्षिक योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था ये युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले दो दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए ठीक है तो इसके बाद जो है एक युवा अर्थशास्त्री जो थे एक के एन इन्होंने जो तर्क दिया था वो था धीरे धीरे विकास करना चाहिए भारत को ये तर्क उन्होंने दिया था इनसे मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें जो मुख्य रूप थे पहला जो पंचायत योजना में ध्यान दिया गया वो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया क्योंकि अपनी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर ज़्यादा आधारित थी तो कृषि क्षेत्र पर पहले पंचायत योजना में ध्यान दिया गया जिसमें बांदो और सिंचाई में निवेश शामिल था अगर कृषि पर ध्यान देना है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको सिंचाई का जो प्रकल्प है वो, वो तैयार करना पड़ेगा तो बांधवार सिंचाई में निवेश शामिल था उदाहरण के तौर पे भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था तो भाकड़ा नांगल बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना इसी पंचवार्षिक योजना पहली पंचवार्षिक योजना के, के, के अंतर्गत तैयार की गई थी यह जो मॉडल था यह मॉडल आधारित था हैरल डोमर मॉडल पर आधारित था मतलब हैरल डोमर जो है इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था और इससे बचा बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था इसमें जो है बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था और उन्नीस के अंत तक पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे और उन्नीस के अंत तक पाँच भारतीय प्रौद्योगिक स्थापन संस्थान स्थापित किए गए थे और इस नज, योजना की जो लक्षित वृद्धि थी वो थी दो पॉइंट जबकि प्राप्त विकास दर था थ्री मतलब जितना टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा इस योजना में पाया गया था ठीक है तो लक्षित वृद्धि दर के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था टू पॉइंट वन परसेंट था जबकि प्राप्त किया गया था थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट तो ये सक्सेस योजना थी ठीक है सफल योजना हुई थी तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना इसका जो अवधि था उन्नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ छप्पन मॉडल था हेरल डोमल मॉडल उद्देश्य था कृषि विकास तो कृषि का विकास करने के लिए इसमें प्रमुख कार्य किए गए तो प्रमुख कार्य क्या किए गए थे तो भागटा नांगल परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना आदि को इस योजना के अंतर्गत स्थापन किया गया था ठीक है इसके बाद दूसरी पंचवार्षिक योजना की तरफ पढ़ते हैं दूसरी पंचवार्षिक योजना द्वितीय पंचवार्षिक योजना इसका जो कार्यकाल था उन्नीस से उन्नीस था और दूसरी पंचायत योजना में जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल तो पहले पंचवार्षिक योजना में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने के बाद दूसरी पंचवार्षिक योजना में औद्योगिक धर औद्योगीकरण का कारखाने उभारने का जो काम रखा गया था क्योंकि कृषि के ऊपर जो ज़्यादातर निर्भर नहीं रख सकती लोक क्योंकि कृषि जो होती है कृषि सीजनेबल होती है और ज़्यादातर बेरोजगार रहता है आदमी इसलिए रोज़गार प्राप्ति करने के लिए औद्योगिकरण का सहारा लेना पड़ता है और औद्योगिकरण के लिए फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया तो इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो पी सी मोहल्लनबीस ने तैयार की थी तो पी सी नुब, मोहल्लनबिस मॉडल पे ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो दूसरी पंचवार्षिक योजना पे यही क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरी पंचवार्षिक योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी तो पीसी मॉलोम इस मॉडल पर आधारित थी और आपको पूछा जाए कि पहली पंचवार्षिक योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी तो हिराट डोमर मॉडल पर आधारित थी ठीक है पहले में कृषि पर भर दिया गया और दूसरे में जो भर दिया गया वो उद्योग धंधे औद्योगिकरण पर भर दिया गया और इसका जो मॉडल था पीसी सी ने इसने तैयार किया था फिर इस इससे त्वरित संचा संचलात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया ठीक है और दूसरी पंचवार्षिक योजना जो थी इसमें जो कार्य किया गया दूसरी पंचवार्षिक योजना में जो मुख्य कार्य किया गया था वो दुर्गापुर भिलाई राहुकेला ये इस्पात कारखानों का स्थापना इस दूसरी पंचवार्षिक योजना में किया गया था कौन से कौन से दुर्गापुर भिलाई रावकेला की स्थापना इस द्वितीय पंचवार्षिक योजना के तहत की गई थी और लक्षित वृद्धि दर था इसका 4.5 परसेंट जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा थी थोड़ी कम प्राप्त हुआ 4.5 परसेंट इसका लक्ष्य गया रखा गया था और एक फोर परसेंट मिला था ठीक है तो इसके ऊपर और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं तो दूसरे पंचवार्षिक योजना के ऊपर ध्यान देते हैं तो दूसरी पंचवार्ष योजना जी थी अवधि उन्नीस से उन्नीस मॉडल था पी सी मॉल मॉडल और उद्देश्य औद्योगिक विकास का रखा गया था प्रमुख कार्य इसमें जो किए गए थे इनमें से अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर भिलाई राहुकेला और इस्पात कारखानों के स्थापित किया गया था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं इसके बाद अगले योजना देखते तीसरी पंचवार्षिक योजना तो तृतीय पंचवार्षिक योजना को देखते हैं तृतीय पंचवार्षिक योजना इसका जो कार्यकाल था उन्नीस से उन्नीस और इसमें जो पहला पॉइंट था कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया तीसरी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन पर ध्यान सुधारना पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसका जो उद्देश्य रखा गया था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास मतलब कृषि और उद्योग जो है दोनों का एक साथ विकास करना है ये इस पे ध्यान दिया गया था पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास रखा गया था दूसरे में रखा गया था औद्योगिक विकास और तीसरे में जो रखा गया था कृषि और औद्योगिक दोनों का विकास ठीक है इसके बाद दो पॉइंट नंबर टू है राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए उदाहरण राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया ठीक है फिर है पॉइंट नंबर थ्री जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत इसी योजना के अंतर्गत की गई थी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जमीनी स्तर अथवा रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस तो योजना के अंतर्गत की गई थी तो वह तृतीय योजना के अंतर्गत की गई थी ठीक है इसके लक्षित वृद्धि दर जो थे लक्षित वृद्धि दर थे फाइव थी जबकि वास्तविक विकास दर था टू और ये सबसे असफल योजना थी असफल योजना क्यों थी मैं आपको आगे बताता हूँ तो इससे तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश योजना अवकाश लिया ले गया लेना पड़ा था उन्नीस सौ छसठ से उन्नीस सौ सदसठ उन्नीस सौ सदसठ से उन्नीस सौ अड़सठ और उन्नीस सौ अड़सठ उन्नीस सौ उनहत्तर तो इस दौरान जो थी वार्षिक योजनाएँ चलाई गई थी तो वार्षिक योजनाएँ चलाने का कारण जो है चीन चीन और भारत युद्ध हुआ था फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और फिर सूखा पड़ा था ये इसके तीस लिए तीन पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी ठीक है तो ये विफल की हुई थी इसकी डिटेल में जानकारी अपन लेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को अच्छे तरह से और समझना है तो तो देखो तीसरी पंचवार्षिक योजना तीसरी पंचवार्षिक योजना का जो अवधि था उन्नीस सौ इकसठ उन्नीस सौ आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास मतलब कृषि और उद्योग दोनों का विकास इसमें रखा गया था प्रमुख कार्य इस योजना के अंतर्गत जो किए गए थे इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकरा आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी और इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो था हरित क्रांति के ऊपर हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई थी तो वो हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई थी तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी तो ये उन्नीस से उन्नीस सौ जो तीसरी पंचवार्षिक योजना थी तो ये सबसे असफल योजना क्यों थी तो उसका जो कारण है उन्नीस में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था फिर उन्नीस में भारत और चीन का युद्ध होने के बाद उन्नीस में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जैसे कि आपको पाकिस्तान के बारे में पता ही है उनका ये एजेंडा रहता है तो इसके बाद उन्नीस में सूखा पड़ा था मतलब तीनों जो बहुत बहुत बड़े बड़े कारण इस योजना के अंतर्गत हुआ था उन्नीस सौ बासठ में भारत चीन युद्ध उन्नीस सौ पैंसठ में भारत पाकिस्तान युद्ध और उन्नीस सौ सासठ में भयंकर सूखा पड़ा था तो इस कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है पटरी से उतर गई थी तो भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने के कारण उसको वापस पटरी पर लाने के लिए जो पहला योजना अवकाश लिया गया तीन साल का जो ब्रेक लिया गया तीन साल में जो पंचवार्षिक योजनाएँ के जगह पे वार्षिक योजनाएँ चलाएगी जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया तो योजना अवकाश इसी कारणवश लिया गया था ठीक है यह होगा योजना अवकाश आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उन्नीस से उन्नीस तो तीसरी पंचवार्षिक योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और तीन वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएँ चलाई गई ठीक है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से पटरी से उ, उतर चुकी थी उसको पटरी पे लाने के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई और जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया तो चलो तो आगे देखते हैं फिर है तृतीय पंचवार्षिक योजना होने के बाद चतुर्थ पंचवार्षिक योजना चतुर्थ पंचवार्षिक योजना चौथी पंचवार्षिक योजना जिसका जो कार्यकाल था उन्नीस से उन्नीस का था और इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था ठीक है चौथी पंचवार्षिक योजना के तहत तो ये गार्डगुल फार्मूले के आधार पर आधार पर थी गाड़गिल जो फार्मूला था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया तो गाड़गिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया, तो दिया गया सरकार ने चौदह प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति की कोशियों को बढ़ावा दिया ठीक है तो चतुर्थ तो पंचवार्षिक योजना थी इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था वो था चौदह तो प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर इसके बाद जो था सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर थी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट जबकि वास्तविक विकास दर थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट थी और ये भी असफल योजना थी ठीक है मतलब ये पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी तो इस प्रद, इसका जो डिटेल में और इन्फॉर्मेशन लेना है तो अपन बैक को बैक जाते हैं और इसमें देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि था उन्नीस से उन्नीस उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की कृषि तथा सिंचाई पर महत्व तो विद्देशा क्या था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता कृषि तथा सिंचाई पर महत्व इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी सर्वाधिक थी ठीक है तो इसी योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर थी सर्वाधिक थी चौथी पंचवर्षीय योजना भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कृषि उद्योग दर सर्वाधिक किस योजना में थी तो चौथी पंचवर्षीय योजना में थी इसमें प्रमुख कार्य क्या किया गया था तो चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो की स्थापना भी इसी योजना के अंतर्गत की थी ये प्रमुख दो कार्य इस योजना में हुए थे पहला जो था चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा जो प्रमुख कार्य हुआ था इंपॉर्टेंट कार्य है वो थे इसरो की स्थापना वो जी चौथी योजना के अंतर्गत की गई थी ठीक है इसके बाद अगली पंचवार्षिक योजना देखते हैं फिर है पाँचवीं पंचवार्षिक योजना तो पाँचवीं पंच योजना का जो कार्यकाल था उन्नीस सौ चौहत्तर से वो उन्नीस सौ अठहत्तर और पंच पाँचवीं पंचवार्षिक योजना उन्नीस सौ चौहत्तर से उन्नीस सौ अठहत्तर और इसमें रोज़गार बढ़ाने और गरीबी उल्मूलन गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया ठीक है पाँचवीं पंचवार्षिक योजना का उद्देश्य इसका था गरीबी गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल ठीक है तो गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत दिया गया था तो इस पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन से पंचवार्षिक योजना के, के अंतर्गत दिया गया था तो पाँचवीं पंचवार्षिक योजना के, के अंतर्गत दिया गया था फिर यह वर्ष उन्नीस में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारोषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी योजना के अंतर्गत की गई थी इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एम एन पी जिसको उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था एम एन पी को डी पी दर द्वारा तैयार किया गया था और इसका लक्षित विकास दर था फोर पॉइंट फोर परसेंट और वास्तविक दर जो था फोर पॉइंट एट परसेंट था मतलब ये सफल योजना हो गई थी तो वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था ठीक है तो मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी उन्नीस सौ अठहत्तर में फिर इसको इस योजना को जो खारिज कर दिया था क्योंकि ये योजना का एक में वो ऐसी योजना थी जो पाँच साल के बजाय चार साल ही चली थी ठीक है उन्नीस सौ चौरासी से उन्नीस पंचवर्षीय पंचवार्षिक योजना पाँच साल की होती है लेकिन मुरार जी से की सरकार आने के बाद उसको खत्म करके दिया तो ये सिर्फ चार साल चली थी तो इसके में और डिटेल में देखना है तो पांचवी पंचवार्षिक योजना अवधि था इसका उन्नीस सौ चौहत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल प्रमुख खारे जो इस योजना में हुआ था पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह पहली योजना थी जो केवल साल चाल चार, चार साल ही चली थी ठीक है एक, एक में वैसी योजना है जो चार साल चली और वो है पाँचवीं पंचवार्षिक योजना ठीक है तो इसके बाद